गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। अगर आप भी पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आज की मेरी ये होम एक्सरसाइज यानी होम वर्कआउट जैसे आप बोल सकते हैं आसानी से घर बैठे बैठे कर सकते हैं, किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं। लेकिन इस वीडियो में डबल धमाका आपको मिलेगा। वो क्या कि आपको मैं एक्सरसाइज तो बताऊंगी, प्लस मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ जो डेफिनेटली 101% आपके बेली फैट को कम करेगी ही करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप के बारे में। देखिए, अगर आप ये सोचकर आए हैं कि मैं एक्सरसाइज करूंगी और मेरा बेली फैट कम हो जाएगा तो वीडियो बंद कर दीजिए, बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक्सरसाइज तो सिर्फ 20% वर्क करता है 80%। 80% में आपको लेना है डाइट अच्छा। ये बिल्कुल नहीं कि महंगे महंगे डाइटिशियन को फॉलो करो, बिल्कुल नहीं। बहुत महंगी महंगी चीजें मार्केट में मिलती हैं, ब्रोकली, बहुत तरह के फ्रूट्स, वो खाओ, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि बजट फ्रेंडली डाइट फॉलो करो। घर की जो पतली पतली दाल होती है उसको खाओ। रात को रोटी चावल बिल्कुल बंद कर दीजिए। दो कटोरी भर के जो भी आपके घर में दाल बनी है उसको लीजिए। राजमा छोले खाएं, स्प्राउट करके खाएं घर पर, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी खाना खा रहे हैं उसको अच्छे से चबा कर खाएं। पानी का रेशो 3-4 लीटर का रखें। इससे सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपका ऑटोमेटिकली बेली फैट कम होगा। और सबसे पहले लंच से पहले अपना एक प्लेट फुल भर कर रखें सैलेड का, उसको पहले ख़त्म करें, देन फिर अपना लंच फिनिश करें। इससे जो आपकी एक्स्ट्रा क्रेविंग्स हैं वो दूर हो जाएंगी। टिप नंबर टू, आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम मुझे मीठा खाने की बहुत क्रेविंग्स होती है, मीठे पर कंट्रोल नहीं होता और मीठा खाते हैं तो बेली फैट सबसे ज़्यादा बाहर निकल आता है। तो ऐसे में बेस्ट ऑप्शन है कि अपने घर में गुड़ रखें 12 महीने। और जब भी आपको मीठा खाने की क्रेविंग्स होती हैं तो गुड़ थोड़ा सा खाएं, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ा सा गुड़ लें जब भी रात को मन कर रहा है या फिर आपका मॉर्निंग में मन कर रहा है। तो वो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, खून की कमी को दूर करता है और बेली फैट इंक्रीज नहीं होने देगा। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप, प्लीज़ पूरे मंथ के लिए बाहर का और तला भुना घर का भी हो बिल्कुल बंद कर दीजिए। इस चीज़ को ध्यान रखें और सिंपल घर का खाना खाएं। जो भी सीज़न का फ्रूट है, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है वो जरूर खाएं और उसमें जरूर शामिल करें पाइनएप्पल, पपाया। ये बहुत अच्छा होता है वेट लॉस के लिए, स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग रखता है, ठीक है। और हनी और विटामिन सी जरूर अपनी डाइट में रखें, चाहे संतरा खाएं, मौसमी खाएं, नींबू खाएं, आंवला खाएं। ये सब चीजें आपके कलर को भी इन्हांस करती हैं और वेट लॉस यानी स्पेशली जो आपका बेली एरिया है उसको ये कम करती हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। मेक श्योर ये पूरी वीडियो आपने कंप्लीटली फॉलो करनी है, तभी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको पीठ के बल मैट पे लेट जाना है। उसके बाद में आपने अपने हैंड्स को हिप के नीचे प्लेस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिप के नीचे प्लेस जरूर करें, इससे आपकी बैक को सपोर्ट मिलता है, आपके बैक में इंजरी नहीं होगा। उसके बाद में अपनी लेग्स को आपने ऊपर लेकर जाना है और उसके बाद डाउन लाइक दिस, देन अप, देन डाउन। जब आप डाउन लेके जा रहे हैं तो आपने एक फुट का गैप मेंटेन करना है ज़मीन से। उसके बाद वहीं से आपने दोबारा से ऊपर लेकर जाना है। जब आप नीचे जा रहे हैं ब्रीथ इन रहेगा, जब अपसाइड जा रहे हैं तो ब्रीथ आउट रहेगा। और आपने इसको 10 times रिपीट करना है और इसके आपने 4 rounds करने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से हैंड को मैट पे प्लेस करना है। उसके बाद आपने अपने टोस पर आ जाना है। टोस पे आने के बाद में आपने अपनी वन लेग को ऑपोजिट साइड अंदर लेकर जाना है लाइक दिस, देन अप साइड, फिर अगेन इन, देन आउट, इन आउट। 20 times हम करेंगे वन साइड, 20 times करेंगे हम अदर साइड। जब अंदर लेके जा रहे हैं ब्रीथ आउट, बैक लेकर जा रहे हैं आउट लेके जा रहे हैं लेग को तो ब्रीथ इन। ब्रीथिंग मस्ट है, ब्रीथिंग नहीं लेंगे अच्छे से तो आपके उस टमी एरिया पे इसका इफेक्ट नहीं आएगा। ओके रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके हम करेंगे 4 rounds। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने अपनी हील्स को मैट के साथ लगा कर रखना है, आपके टोज अप रहेंगे। आपने साइड टू साइड ट्विस्ट करना है अपनी बॉडी को कैसे, 1, 2। जब आप इस साइड जा रहे हैं ब्रीथ आउट,
सेंटर में आ रहे हैं ब्रीथ इन, अदर साइड जा रहे हैं ब्रीथ आउट। ब्रीथिंग ब्रीथिंग मस्ट है, इसके बिना आपका पेट कम नहीं हो सकता। जब हम ब्रीथिंग लेते हैं तो हमारी मसल यानी कोर जो है हमारा पेट का मसल जो है ज़्यादा एंगेज होता है और उसी को एंगेज करने के लिए हम इतना एफर्ट कर रहे हैं, राइट? तभी वो एंगेज होगा, वहाँ पे लोड पड़ेगा और वहाँ का फैट रिड्यूस होगा। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसके हम करेंगे 10 राउंड्स। वन इस साइड किया, ये हो गया 1। ऐसे हम 10 टाइम्स को रिपीट करेंगे और इसके हम करेंगे 4 राउंड्स। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी और एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इशरा आपको बहुत कम करके दिखा रही है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा मकसद है आपको रिपीटेशन बताना, करेक्ट पोजीशन बताना, रैप्स बताना, ताकि आप टाइम सेव भी करें और सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब भी कर सकें मुझसे, ठीक है? लास्ट एक्सरसाइज है, अच्छे से हमने करना है, बहुत फोकस करना है इस पर, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये है प्लैंक। प्लैंक हम करेंगे 30 सेकेंड्स मिनिमम, मैक्सिमम आप 2-3 मिनट्स 5 मिनट्स जितना आपसे बेस्ट हो पाता है उतना आप लेकर जाएंगे। मिनिमम 30 मिनट्स में हम अपने आप को रोकेंगे नहीं, डे बाय डे इंक्रीज करेंगे टाइमिंग। बॉडी को 90 डिग्री पर रखेंगे एंड होल्ड करेंगे। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपके सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है होम वर्कआउट, बेली फैट वर्कआउट। तो डेफिनेटली आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने बहुत एंजॉय करा होगा। ये आपको ऑल्टरनेटिव डेज में फॉलो करना है, बेहतरीन रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा अगर आप एक्सरसाइज प्लस मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताई हैं टिप्स उनको फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं कल कुछ नई चीज़ों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।